रॉयल टाइगर्स वर्सेस यूनाइटेड सीलैंड के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस हंगरी टीटन मैच के बारे में नई टीम है, नए प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स का मैंने वन बाय वन एनालिसिस आपके लिए लिख रखा है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपनी फाइनल टीम भी भेजूंगा जिस टीम से मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा इस मैच में। अगर आप फैंटेसी में अपने पैसे लगा रहे हो और अगर आप मेरे टीम से खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन के हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। सबसे पहले देखें इस मैच का पिच रिपोर्ट के बारे में। जो मैच होने वाला है ये आपको जीबी ओवल के स्टेडियम पर होने वाला है। यहाँ का पिच बिहेवियर जो है पूरी तरीके से बैलेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बल्लेबाज या फिर बॉलर यहाँ पे ज़्यादा फन करने वाले हैं। यहाँ पे पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलेगी एज कम्पेयर टू स्पिनर्स के हिसाब से। यहाँ का एवरेज स्कोर आपको 101 रन का, यानी कि कहीं ना कहीं रन जो है कई बार यहाँ पे बनेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि 100 रन बन रहे ना, मान लो कि 100 रन बने भी तो उसमें कोई दो ही ऐसे बल्लेबाज होंगे जो कि अच्छा करें। लेकिन अगर मान लो कि 6 विकेट गिर गए 100 रन बनाने में, तो वहाँ पर यह होगा कि कोई 3 ऐसे बॉलर्स होंगे जो कि कमाल की बॉलिंग करके दे पाएंगे, जिन्हें 80-80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये वो रीज़न है कि मैं आपको कहूँगा कि बल्लेबाज और बॉलर दोनों के ऊपर पूरा पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना है। आखिरी के मैचेस की बात करो, रॉयल टाइगर्स ने आखिरी सीजन में अपने जो 5 मैचेस खेल रखे हैं उसमें से 2 मैच अपने जीत करके आ रही है, बाकी बचे वो 3 मैचेस अपने हार करके आ रही है, यानी कि एवरेज स्कोर मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिला हुआ है। सेम वही यूसीबी का भी है, 2 मैचेस विन की हुई है, बाकी बचे वो 3 मैचेस अपने हार करके आ रही है। तो दोनों का एकदम सेम है, मैं आपको दोनों टीमों ने एकदम सिक्वेंस से विन और लूज किया हुआ है आखिरी वाले मैच में। सबसे पहले रॉयल टाइगर्स के प्लेइंग 11 की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में ओपनर आपको नजर आ सकता है जिसका नाम है ईशान आहूजा, उसके साथ ओपनर आ सकते हैं मोहम्मद सूफिया, तीसरे पे एम आहूजा आ सकता है, नंबर 4 पे के दिलदार आ सकता है, जहीर शफी भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद रतुल्ला भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। यहाँ से अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना, तो सबसे पहले देखो ईशान आहूजा ने 10 ओवर के लेवल पर अपने 42 मैच खेल रखे हैं, जहाँ पे 695 रन बनाया हुआ, 33 का एवरेज है, यानी कि प्लेयर काफ़ी दमदार है, लंबी लंबी पारियाँ 10 ओवर के मैच में खेल करके दे सकता है। मोहम्मद सूफिया भी 10 ओवर के मैच में बल्लेबाजी में 19 मैच खेला है, जहाँ पे 33 रन बनाया, यानी कि बल्लेबाजी में कोई खास प्लेयर नहीं है, बॉलिंग नहीं करेगा, लेकर के नहीं चलना है। एम आहूजा ने 10 ओवर के लेवल का 40 मैच खेल रखा है, जहाँ पे 359 रन बनाया हुआ है, तो एवरेज 17 करीब का है, हर मैच में 10 रन भी नहीं बनाया, कोई बहुत बड़े लेवल का प्लेयर नहीं है। के दिलदार 10 ओवर के लेवल के ऊपर 55 मैच खेला है, जहाँ पे 497 रन भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आपने देखा हुआ 11 मैच में बॉलिंग कर रखा है 55 में से, यानी कि हर 5 मैच में खेलेगा तो शायद से एक मैच में बॉल कर सकता है, यानी कि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बॉलिंग मिलेगा। अगर मान लो कि इस सीज़न में 6 मैच खेल रहा है तो मैक्सिमम 2 मैच में बॉलिंग करेगा, वहाँ पर इसको आधी विकेट मिला हुआ। पहले तो ये देखना है कि कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, हो सकते हैं कि बॉलिंग मिले ही ना। जहीर शफी की बात करूँ, 45 मैच में 728 रन बनाया हुआ है, और बॉलिंग से भी एक ही मैच बॉलिंग किया, कुछ मिला नहीं है, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी अच्छा है। यहाँ से रहमतुल्ला मेनली बॉलर है, 7 मैच में 16 रन बनाया, बॉलिंग का भी यहाँ पे शो नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ से सुदर्शन की बात करें, 8 मैच में 116 रन भी बनाया हुआ है, एक ही मैच बॉलिंग किया, वो कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं, और इसने 10 ओवर के लेवल का कहीं पर भी इससे पहले मैच भी नहीं खेल रखा है, यानी कि 20 ओवर के डोमेस्टिक लेवल को मैचेस खेल करके आ रहे हैं, काफ़ी क्लब लेवल के। जिसान खान खुकी खेल की बात करूँ, काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर है, 58 मैच में 1604 रन बनाया, यानी कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है। 58 मैचेस में से आप देख पा रहे होंगे 47 मैच में इसने बॉलिंग भी कर रखा है, यानी कि बल्लेबाजी में तो 34 का एवरेज है ही है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 47 मैच में बॉलिंग करके 45 विकेट लेकर के दिया हुआ है, यानी कि जिसान खान खुकी खेल इस सीज़न का नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। अब इसे कदर पहल की बात करूँ, आज से 2 साल पहले ये एक विकेट देगा बॉलर था, लेकिन आखिरी सीज़न इसका कोई बहुत दमदार नहीं किया, लेकिन फिर भी 42 मैच जो इसने खेल रखा है 283 रन भी बनाया हुआ है, अब बॉलिंग से भी 42 में से 41 मैचेस में बॉलिंग कर रखा है, जहाँ पर इसको 44 विकेट भी मिला हुआ है, तो
तो काफी फॉर्म वाला प्लेयर है तो अभिषेक केदरपाल बॉलर, काफी अच्छा बल्लेबाजी में भी 6 रनों पे आकर के 10 से लेकर के 20 के बीच रन बना करके दे सकता है। अभिषेक पराशर की बात करो 39 मैच खेला हुआ, 297 रन बनाए हुआ, जहाँ पे बॉलिंग से भी हर मैच में बॉलिंग कर रखा, 40 विकेट भी मिला हुआ है। तो मैं आपको ये तीनों प्लेयर्स के बारे में कहूँगा कि बहुत जरूरी रहेंगे। जिशांत खान खुगी खेलोगे, अभिषेक केदरपाल हो गया और अभितेश प्रासर हो गया। ये तीनों प्लेयर्स को आपको लेकर के चलना ही चलना है। इसके अलावा ईशान आहूजा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। ये चारों प्लेयर इन 10 प्लेयर्स में से काफ़ी शानदार निकले हैं, तो ये चारों प्लेयर को आप फोकस करना, जो भी खेल रहा होगा आप उसको लेकर के चलना जरूर। वहीं बच्चे हुआ प्लेयर्स की बात करो, वकार महमूद ने 16 मैचेस में 27 रन बनाए, यानी कि मेनली बॉलर है, 14 मैच में बॉलिंग करके 13 विकेट लिया हुआ, यानी कि ओवरऑल बॉलिंग मिलेगा भी, अच्छा बॉलर भी है। अब्दुल वासित की बात करो, 8 मैच में रन तो बनाया नहीं, 8 मैच में बॉलिंग करके 9 विकेट लिया हुआ, तो अच्छा बॉलर है, 8 में 9 लिया हुआ, 10 ओवर के मैच से काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड आप कह सकते हो। अब्दुल मनन की बात करो, 12 मैच में 32 रन बनाया, 12 मैच में बॉलिंग किया हुआ, 8 विकेट लिया हुआ है। आपको एक ही चीज़ कहूँ कि अब्दुल वासित को तो आपको लेकर के चलना ही चलना है। अब आपको सोचना है कि वकार महमूद को लोगे या फिर यहाँ से अब्दुल मनन को लोगे, दोनों में से आपका मन है, आप किसी एक को लेकर के चल सकते हो, बाकी अगर तीनों में से कोई एक ही खेले उसी को लेकर के चल लेना। मालिक ज़्यादा की बात करूँ, 30 मैच में 27 रन बॉलर मेरा, 19 मैच में बॉलिंग करके 10 विकेट लिया हुआ, तो कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। उसके अलावा सैयद सदक की बात करो, 5 मैच 4 मैचेस में बॉलिंग कर रखा है, 2 ही विकेट मिला हुआ है। साई गौतम की बात करो, 13 मैच 9 ही मैच बॉलिंग कर रखा है, 10 विकेट मिला हुआ है। हबीब ने 10 मैच 9 मैचेस में बॉलिंग कर रखा है, 12 विकेट मिला हुआ है, यानी कि हबीब एक ऐसा प्लेयर है ना, हबीब देलदार, ये काफ़ी अच्छा बॉलर है। अगर इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा है 10 ओवर के लेवल के ऊपर, तो ये आप मान करके चल सकते हो कि मिनिमम 1 विकेट के करीब तो आपको ले करके दे सकता है। लोकेश बाला ने 20 ओवर के लेवल को मैचेस खेला, 10 ओवर के लेवल को खेला नहीं है, लेकर के नहीं चलना। टी गोम्स ने 10 मैच खेल रखा है, जहाँ पर इसने 6 मैच बॉलिंग कर रखा है, इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। एम साकल ने भी 5 मैच 5 मैच बॉलिंग कर रखा है, 4 विकेट लिए, वो कोई इतना अच्छा मुझे खास लग नहीं रहा। यहाँ पे मैं जरूरी प्लेयर की बात करूँ, मुझे लगता है कि एक हबीब देलदार काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड के साथ नजर आ रहा है, और दूसरा अच्छा नजर आ रहा है अब्दुल बासित। ये दोनों बॉलर काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, ये दोनों में से कोई भी अगर खेल रहा है आप उसको लेकर के चल सकते हो। अगर मान लो कि ये दोनों में से कोई भी ना खेल रहा हो, दोनों में से कोई भी ना खेल रहा हो, तो अगला प्लेयर आप लेकर के चल सकते हो, जिसका नाम है यहाँ से साई गौतम को लेकर के चल सकते हो, या फिर वकार महमूद को, या फिर यहाँ से एम साकिन को। ये तीनों में से अगर कोई खेल रहा होगा तो अगला आप उनको लेकर के चल सकते हो। उसके अलावा मैं सामने यूसीबी की टीम की बात करूँ, यूसीबी की टीम और से वी रविंद्रन 10 ओवर के लेवल का, जरा आप इसका रिकॉर्ड चेक करो, काफ़ी अच्छा है। 10 ओवर के लेवल 38 मैच 966 रन बना करके आ रहा है, और बल्लेबाज में 30 का एवरेज है। अनिल पैतनिक ने भी 21 मैच 83 रन, कोई इतना अच्छा नहीं है। जैक मोरेल ने 15 मैच 99, इतना अच्छा नहीं है। एस मधु ने 6 मैच 1 ही रन, इतना अच्छा नहीं है। सौरभ मेहता ने 4 मैच 17 रन, 4 मैच बॉलिंग कर रखा है, 7 विकेट लिया हुआ है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है जरा चेक करो, 20 ओवर के लेवल का, यानी कि 10 ओवर के लेवल का कोई मैच नहीं खेला, तो इसको बारे में भी ज़्यादा सोचेंगे नहीं। कसीर अहमद ने 20 ओवर के लेवल का 4 मैच 61 रन बनाया हुआ है, 4 मैच बॉलिंग कर रखा है, 9 विकेट भी मिला हुआ है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक खेल रहा आप उसके ऊपर फोकस करके चल सकते हो। दोनों ने 20 ओवर के लेवल का कमाल की बॉलिंग करके दिया हुआ है। ए आलम ने 2 मैच में 16 रन बनाए, 1 मैच में बॉलिंग कर रखा, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। ए आर से दाना पुरेती की बात करो, 27 मैच 10 ओवर के मैच 713 रन बनाया हुआ, काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर है। उसमें 26 मैच में बॉलिंग भी कर रखा है, जहाँ पे 22 विकेट भी मिला हुआ, तो बिना कुछ सोचे दाना पुरेती को लेकर के चला है, काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर है। एम देशपांडे की बात करो, 20 मैच 44 रन बनाया हुआ, जहाँ पे 13 मैच बॉलिंग कर रखा है, 11 विकेट मिला हुआ, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। एच त्यागी ने 134 रन बनाया, मैच में 218 रन बनाया हुआ, 127 में बॉलिंग करके 138 विकेट लिया हुआ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 100+ मैच खेला हुआ है 20 ओवर के क्लब के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि खिला लिया जाए। बाकी अगर मैं यहाँ से ज़रूरी प्लेयर की बात करूँ, मुझे लगता है कि वीर रविंद्रन काफ़ी अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये दारा पुरेदी, ये दोनों आपके लिए काफ़ी बड़े लेवल के प्लेयर है। इसके अलावा अगर आपका मन है तो आप यहाँ से कसीर अहमद और यहाँ से सौरभ मेहता में से किसी को लेकर के चल लेना, अगर प्लेइंग 11 में खिलाया जाए दोनों से किसी को। यूसीबी के आगे प्लेयर की बात करो, रमेश यहाँ से वेल मोरगन ने 1 मैच में खेला है, 2 ही रन बनाया हुआ, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। अस्कनाक रास की बात करो, 1 ही मैच में 1 इनिंग में बॉलिंग करके 1 विकेट मिला हुआ, 20 ओवर के लेवल के बाद नया प्लेयर है, 10 ओवर के लेवल के बाद कोई मैच खेला ही नहीं है। आर यहाँ से वेल मोरगन की बात करो, 1 ही मैच खेला हुआ 20 ओवर के लेवल, गुलाम अब्बास ने 7 मैच खेल रखा है, 7 मैच बॉलिंग कर रखा है, 6 विकेट लिया हुआ है। तो सही बॉलर है, 10 ओवर का एक्सपीरियंस बॉलर है, हर मैच से बॉलिंग करेगा, 2 ओवर जरूरी प्लेयर रह सकता है अगर आप मन है तो। उसके अलावा एफ फेरल की बात करो, 18 मैच 11 मैच बॉलिंग कर रखा है, इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। रविंद्र राजेंद्रन की बात करो, ये भी कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है।
यहाँ से फतेह अतीफ की बात करो, ये भी दो मैच से दोनों मैच से बॉलिंग कर रखा है, विकेट इसको लेकिन एक भी नहीं मिला हुआ, 10 ओवर के लेवल को लेकर के चला नहीं है। कैलेश शंकर ने भी एक मैच एक इनिंग में बॉलिंग करके एक विकेट लिया हुआ, कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं का। मैं यहाँ से एक जरूरी प्लेयर की बात करूँ, मुझे लगता है कि गुलाम अब्बास ये काफी अच्छा प्लेयर है, आपको मन है आप इसको लेकर के चल सकते हो। यानी कि यूसीबी की टीम के पास कोई भी बहुत बड़े लेवल के प्लेयर है नहीं, सिर्फ तीन ही अच्छे प्लेयर नजर आए, तो बाकी के रिकॉर्ड के हिसाब से हम उनको लेकर के चल पाए। एक चीज आपको कहूंगा, आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए ना, तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, आखिरी के 5 मिनट में जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, जिस भी टीम से मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा, वो मैं अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल को आपको इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए भेज देता हूँ। हम भी इसी टीम से अपने पैसे लगाते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। 72,000 करीब सब्सक्राइबर, यानी कि लोग आपकी तरह पहले से फ्री में ज्वाइन है हमारे चैनल को, आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फ्री में ज्वाइन हो सकते। आप अभी जिस भी आप वीडियो को देख रहे हो, उसी के टाइटल का आप जैसे ही क्लिक करोगे, सीधे सीधे आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर मैंने आपके लिए लिंक पिन कर रखा है, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल को ज्वाइन होने से आपको फ्री में बहुत सारे पैसे अर्न करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे आपके लिए फ्री गिव अवे भी देते रहता हूँ, जिसकी मदद से आप फ्री में भी पैसे अर्न कर सकते। अभी के लिए मैंने अपने एनालिसिस बेस के वो इस तरीके की अपनी फैंटेसी की टीम बनाई हुई है, जिसमें अगर आपका मन है, अगर आप मान लो किसी ऐसे ऐप को खेल रहे हो जहाँ पे आपको तीन बल्लेबाजों को लेकर के चलना मजबूरी ना हो ना, तीन बल्लेबाजों को लेकर के चलना मजबूरी ना, आप एक काम करना कि यहाँ पे के अहमद और के दिलदार दोनों को निकाल करके वी रविंद्रन और यहाँ से वकार महमूद को लेकर के चल सकते हो, और इस तरीके की अपनी टीम लगा करके अपने पैसे लगा सकते हो, ये भी एक टीम बना करके खेल सकते हो। बाकी ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम, ये कोई फाइनल टीम नहीं है। लाइनअप आने का जो भी फाइनल टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आप फ्री में भेज दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन के वो आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।